हे एवरीवन, इट्स कुशाग्र द फूडी ड्राइवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा पहले वो जाके देखो। माय एलोरा केव्स एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। अब मैं निकल चुका हूँ और 2:30 बजने दोपहर के, बट मैंने रोका है आपको दिखाने के लिए ये सामने है जो आप देख पा रहे हो। ये पूरा शहर बस गया आई थिंक सोलर पैनल्स का। आई एम सीरियसली awestruck। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अमेजिंग 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 जॉब। दिस मेक्स मी सो 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 हैप्पी एंड आई वॉन्टेड टू बिगिन माई व्लॉग जस्ट ऑन दिस नोट, दिस एनर्जी सेविंग पॉजिटिव नोट। अगेन, तमिलनाडु में विंड मिल्स, इवन महाराष्ट्र में भी कई जगह विंड मिल्स, बट दिस सोलर पैनल पार्क, वाओ। सो अब मैं एलोरा से निकला था 2 बजे के करीब एंड मैंने अपनी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रानी की वाव, जो कि स्टेप वेल है अहमदाबाद में, वहाँ जाना है। तो उसके लिए वाया वडोदरा जाना पड़ेगा मुझे, और अगर वडोदरा जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना बनता है बॉस। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। निकल चुका हूँ टूवर्ड्स वडोदरा। कहाँ पहुँचता हूँ देखा जाएगा। तो मैं हूँ महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर में जो मध्य प्रदेश का भी बॉर्डर है और गुजरात का भी बॉर्डर है। यस, मैंने फर्स्ट टाइम इस शहर का नाम सुना था। मैं हूँ नंदुरबार में और अब मैं निकल पड़ा हूँ टूवर्ड्स, आपने टाइटल देख के बता ही दिया होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यस, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इंडिया को यूनाइट करा था पोस्ट पार्टीशन, सारी प्रिंसली स्टेट्स को मिला के यूनियन ऑफ इंडिया बनाया था। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, हाईवे पर हूँ एंड महाराष्ट्र बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, आने वाला है, और गुजरात शुरू हो जाएगा फिर। तो स्टेट हाईवे पे है आज पूरा ट्रैवल एंड कल जैसे रोड्स थोड़ी सी ख़राब थी यहाँ तक एलोरा केव से जब मैं निकला था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सिमिलर रोड्स ही मिलेंगी मुझे। 4-4.5 घंटे का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। बाकी चल रहे हैं मज़े से अपना, अकेले ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एंजॉयिंग दिस। सामने लैंग्वेज बोर्ड्स की बदल चुकी है एंड यस, दिस इज द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो अनदर स्टेट डन, वाओ। आई एम इन गुजरात वंस मोर इन माय कार। मैं जुलाई में भी आया था जब मैं बॉम्बे की ट्रिप करी थी, वो वीडियो भी नहीं देखी तो देखो, 24 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप ड्राइविंग, निंदुरबार पुलिस का चेक पोस्ट एंड या वेलकम टू गुजरात। ₹150 की पार्किंग, ये सिस्टम है यहाँ पे। पार्किंग की टिकट लो, उसके बाद यहाँ से बस पकड़ो एंड देन गो टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। बाकी पार्किंग बोले तो अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस शेड के साथ, प्रॉपर पार्किंग है। काम चलाओ तो नहीं बोलूँगा, प्रॉपर पार्किंग बोलूँगा। एंड एक्चुअली में ये एरिया बहुत ही वेल प्लान्ड है एंड कूडोज टू द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग दिस एरिया यू नो सो वेल प्लान्ड एंड वेल थॉट आउट। तो गाड़ी पार्क करते हैं एंड मिलते हैं आपको इनसाइड द कॉम्पाउंड। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये थी इंडिया की बुनियाद। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड ऑन दिस, के सारे राज्य चाहे जितने अलग
सारे रिलीजन्स चाहे जितने अलग, सारे कल्चर्स चाहे जितने अलग क्यों ना हो, सब एक साथ रहें इन वन यूनिटी। वही यूनिटी को जोड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड इन इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी अलॉन्ग साइड नेहरू एंड गांधी जी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया। इतनी जो सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कन्विंस करना टू बी अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, चाहे वो हैदराबाद के निज़ाम हो, चाहे अलग अलग जो राजपूत राजा राजस्थान के, महाराष्ट्र के अलग अलग किंगडम्स, सबको जोड़ के एक स्वराष्ट्र बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। एंड उनके ऑनर में दिस क्रेजी ह्यूज स्टैचू, इट फील्स सो गुड, वाओ, इट्स ओवरवेलमिंग, इट्स ह्यूज। मतलब जैसे जैसे मैं पास जाते जा रहा हूँ साइज इज इंक्रीजिंग। एंड द प्लेस ये है, रात को यहाँ लेज़र लाइट शो होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं निकल जाऊँगा, नहीं रुकूँगा उसके लिए। एंड दिस प्लेस इज सो सो वेल मेड। आई वोंट गेट इन टू द डिबेट एंड आई होप पीपल डोंट के इतने पैसे लगे, वॉज इट वर्थ इट और नॉट। नाउ इट्स हेयर एंड डेफिनेटली यू शुड कम एंड सी इट एटलीस्ट वंस, एक बार आओ यहाँ पर, देखो क्या बना है, कुछ बड़ा कुछ यूनिक बना है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिटिसाइजिंग लेट्स अप्रिशिएट इट एंड सी इट। सो लेट्स गो इनसाइड द मेन कैंपस। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैंने सोचा एक बार आपको फूड कोर्ट दिखा दूं। एंड सामने एंट्रेंस है, तो दिस इज़ द फूड कोर्ट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। हर जगह फ्री वाटर भी अवेलेबल है एंड आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक बॉटल भी खरीद सकते हैं, ऑल्दो एकदम नॉर्मल बॉटल है बट स्टिल इट्स अ मेमोरेंडम आई बिलीव। 50 रुपीज़ की है तो मैंने ले ली। एंड अपनी बॉटल अगर आपके पास है तो हर जगह फ्री वाटर अवेलेबल है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, इट्स आरओ फिल्टर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड, ठंडा पानी है, मज़ेदार। तो फूड कोर्ट देख लिया, खाने के ऑप्शंस कुछ ज़्यादा नहीं है, CCD है, एक दो लोकल जॉइंट्स हैं, सबवे है और स्टारबक्स है। तो आई कांट कंट्रोल माई एक्साइटमेंट यार, तभी जल्दी जल्दी ये ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आगे चल पाऊँ। तो लेट्स गो इनसाइड। अभी अभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा और उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पर जो लिमिट है 1000 बंदे की है एक टाइम पे, और टाइम स्लॉट लेना पड़ता है। मैंने भी टाइम स्लॉट लिया था 2 बजे से 4 बजे तक का, ऑल दो 1:30 में आ गया हूँ बट स्टिल। बाकी मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ जो मेन चीज़ है, लुक एट दिस, वॉक पाथ पे हूँ मैं एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स द स्टैचू एंड ओह माय गॉड, इट्स बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर एज आई अप्रोच इट, रियली रियली ह्यूज। यू कांट गेट द स्केल ऑफ द स्टैचू अनलेस यू आर हियर, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट इज़ ह्यूज। एंड यहाँ पर खड़े रह के मेरे पेरिफेरल विजन में पूरा स्टैचू भी नहीं आ पा रहा, मुझे सर ऊपर करना पड़ता है नीचे से ऊपर तक देखने के लिए। वाओ, एस्केलेटर्स सॉरी ट्रैवलेटर्स लगी हुई हैं यहाँ पर, बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ चलना। बहुत ही बढ़िया पाथवे बना रखा है टुवर्ड्स द स्टैचू। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने लायक। विश्व वन है जहाँ पर वर्ल्ड वाइड अलग अलग फौना के जो हैं, फ्लोरा एंड फौना, वो रखे हुए हैं। एक ज़ू है यहाँ पे, जो जंगल जिसका नाम इन्होंने दे रखा है, साथ में जो है सरदार सरोवर डैम सामने है एकदम। यहाँ से आपको दिख पा रही है नहीं मुझे नहीं पता, बट आई ट्राई टू शो यू, देयर इज़ द डैम, वाओ, एंड द वाटर हेयर
is actually pretty clear. दोपहर का टाइम है तो ऑब्वियसली गर्मी हो रखी है, बट हवा बहुत चल रही है तो मौसम इज परफेक्ट. माय गॉड भाई साहब, लुक एट दिस मैसिव स्टैचू. वाओ, आई कांट बिलीव वहाँ पे उनके पाँव के पास खड़े होके क्या होगा. आई मीन द स्केल ऑफ दिस थिंग इज ह्यूज. Whoa! I'm sure when I reach to its feet, मुझे उनका सर नहीं दिखेगा. Oh my God! The scale of this thing is massive. Wow! Unbelievable! Oh my God! Are you looking at the scale of this thing? मतलब this is his feet. And as I expected, I can't see the head. Oh my God. Whoa. This is like a crazy, crazy feat. Not only a feat of engineering, but a crazy, crazy feat indeed. Wow. Trust me. You have to be here to feel the size of the statue. You can't just understand how huge it is unless you're here. Wow. The shadow it casts on the riverbed is amazing. But nothing beats this. पूरा 90 डिग्री ऊपर रखना पड़ रहा है अपने पेरिफेरल विजन से टू सी द टॉप ऑफ द स्टैचू. वाओ, आई थिंक दिस इज अ मॉडर्न मार्वल दैट इंडिया हैज क्रिएटेड. वाओ, आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर. एंड this on not only showcases our culture, our heritage, but it also reminds us jo freedom struggle thi. Kabhi nahi bhulni chahiye hame jo freedom struggle hamare freedom fighters ne ladi thi. Anginat sabke naam nahi hain, sab yaad nahi karte log unko history mein, but aise bahut sare log hain who sacrificed their lives for India's freedom. We should be always, always thankful for them and, you know, be grateful that we are breathing and living in this free country because of them. Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel, these are just a few great names who are part of a much bigger thing. Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, bahut sare aise naam hain. Matlab 200 years tak who fought for our freedom. Wow, and I personally believe there is nothing wrong to recognize their efforts in monuments like these. Wow. So always remember these people and always be thankful. I'm sorry if agar aapko lage ki ye bahut zyada political mein ja raha hu, but no, this is my history, my country's history. And I would just like to remember my history and always, always cherish it. Sadhguru once said ke Britishers ke against hona chahiye ya nahi hona chahiye. He always said, don't be bitter about the past, but never forget it. So I think ye lesson hume yaad rakhna chahiye ke hamesha jo aapke saath bura ho, hamesha jo aapke saath bura ho, usko kabhi bhoolo mat, but उसकी वजह से अपने मन में कड़वाहट भी नहीं आनी चाहिए. तो इसीलिए थिंग्स लाइक दिस, दी प्लेसेस लाइक इंडिया गेट, रेड फोर्ट, दीज रिमाइंड मी ऑफ आर फ्रीडम स्ट्रगल, आर हेरिटेज एंड आर हिस्ट्री. अब बारी है व्यूइंग गैलरी में जाने की, विच इज़ राइट अबव हिज चेस्ट एरिया, एंड वहाँ से पूरा जो व्यू दिखेगा I'll show you.
बट फर्स्ट लेट्स हेड टूवर्ड्स द म्यूजियम अंडर हिज फीट जो व्यूइंग गैलरी की लिफ्ट से पहले है. एंड दिस इज लाइक अ हिस्टोरिकल वॉक ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बट मोर स्पेसिफिकली फोकस टूवर्ड्स दिस ग्रेट लीडर सरदार पटेल जी. इनकी लाइफ के बारे में एंड इस स्टैचू के बारे में, इस स्टैचू की इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर. देर आर स्क्रीन्स डिपिक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैचू, द स्टेजेस एंड एवरी अदर मैकेनिज्म इनसाइड द स्टैचू. सो वेन एवर यू कम हेयर यू हैव टू विजिट दिस इनसाइड. एंड ऑल्सो this place is air conditioned so it feels really really comfortable after that hot place outside. This is a theater. I'm sure it must be showcasing the movie about the statue, different aspects of the country. Again, this showcases every aspect of India. So this is like a cultural walk. Wow. And again, Sardar Patel ji's life journey showcased in pictures. So yes, this area is like a very very modern historical gallery. डिफरेंट राजाओं को जो सरदार पटेल जी ने कन्विंस करा था, जैसे राजा ऑफ जोधपुर, महाराज ऑफ भवन नगर इन बॉम्बे, अलग अलग चीज़ों को जो उन्होंने यूनाइट करा और उनकी लाइफ सारा का सारा शोकेस किया गया है यहाँ पर. वाओ, व्हाट अ लाइन, द प्राइस ऑफ फ्रीडम पार्टीशन. That is the saddest reality of India's partition, जो कि था freedom के लिए हमारा देश का बंटवारा होना. The bloodiest partition in the history of the world, the biggest mass migration in the history of the world. लाखों करोड़ों लोगों का इसका पे इफ़ेक्ट पड़ा, लाखों लोग मरे, कितनी atrocities हुई. And why? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही गलत और मिसमैनेज्ड वे में इंडिया का पार्टीशन करा. जिस बंदे ने इंडिया का पार्टीशन करा था, उसने इंडिया की सिर्फ डेमोग्राफिक्स पेपर पे पढ़ी थी. ही हैड नेवर विजिटेड इंडिया एंड ही नेवर विजिटेड आफ्टर द पार्टीशन एवर. सो घर परिवार अलग हुए, दोस्त यार अलग हुए, खेत खलिहान अलग हुए, बस देश का जब बंटवारा हुआ था. वेरी 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 सैड बट द ट्रूथ एंड वी हैव टू लिव विद दैट ट्रूथ. दिस व्यूइंग गैलरी इज एक्चुअली अ मस्ट वेन एवर यू आर एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी. चाइना के बुद्धिस्ट स्टैचू जो कि 156 मीटर्स टॉल हैं, उनका रिकॉर्ड बीट करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू 182 मीटर्स टॉल है. एंड नाउ आई एम इन दी व्यूइंग गैलरी एंड हैव अ लुक आउटसाइड. Not only showcasing the outside view, but viewing gallery also showcases how the interiors of the statue are held together. Again, a big, big architectural and engineering marvel. क्योंकि इतने windy zone में you can see panels के उसमें shockers लगे हुए हैं ताकि wind में it can move.
थोड़ा सा विगल रूम दे रखा है ताकि टेंशन ना बने. वाओ, दैट वाज द फ्रंट ओवरलुकिंग द सरदार सरोवर डैम एंड दिस इज द बैक. वो पार्ट ओपन है बट दिस पार्ट इज क्लोज्ड फॉर सम रीजन. बट अगेन इफ यू आर कमिंग हियर डू विजिट द व्यूइंग गैलरी. द प्राइस ऑफ द टिकट इज 350 rupees. अनाउंसमेंट बंद हो तो द प्राइस इज 350 rupees पर पर्सन. उसके ऊपर 150 rupees पार्किंग का. तो आई वुड से अगर आप अकेले गाड़ी में आ रहे हैं 500 rupees आपके यहाँ लगेंगे टू व्यू दिस प्लेस. बट वेल 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 वर्थ इट. एक बार तो बनता है यार. दिस व्यू इज नॉट गेटिंग ओल्ड एनी टाइम सून. द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वॉज वेरी 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 वेल वर्थ इट. आई कॉन्ट वेट टू ब्रिंग माई फैमिली ओवर हेयर. उन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ज़रूर उनको यहाँ लाऊंगा एंड एक ना एक बार तो ये व्यू दिखाऊंगा. यस, तो आई डोंट थिंक आई कैन फाइंड अ बेटर प्लेस टू एंड द व्लॉग दैन द सरदार पटेल व्यूइंग गैलरी एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी. सो आई थिंक आई एंड द व्लॉग हेयर एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई ग्रेट इंडियन नोट ट्रिप. सिर्फ नोट नहीं, इसने मुझे कहाँ कहाँ नहीं घुमाया. कन्याकुमारी, रामेश्वरम, नाउ एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी. अमेजिंग. एंड अभी भी दो जगहें बाकी हैं. तो यहीं पे ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं. सी यू सून.